हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन ऑफ बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, पादप जल संबंध, जिसका आज हमारा टॉपिक होगा जल विभव। जल विभव, वाटर पोटेंशियल। जल विभव क्या है? अच्छा टॉपिक है, ध्यान से आप समझेंगे क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी सजीवों व पादपों को वृद्धि व जनन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उनके कार्य करने की क्षमता को निरूपित करती है, अर्थात जल के अणु की, ध्यान रहे, जल के अणु की मुक्त ऊर्जा, जल के अणु की मुक्त ऊर्जा जल विभव कहलाती है। ध्यान रहे, जल के अणु की मुक्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जल विभव। अर्थात जल के निकाय से, निकाय यानी तंत्र, जल के निकाय से निकलने की प्रवृत्ति को जल विभव माना जाता है। जल विभव जल प्रवाह की दिशा बताता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका, मृदा से मूल, मृदा से वायु, इसके लिए जल विभव का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जल का बहाव होता है, जल का बहाव होता है जो उच्च जल विभव से, ध्यान रहे, जल का बहाव होगा जो उच्च जल विभव से, निम्न जल विभाव की ओर होता है। यह आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप आगे इस टॉपिक संबंधी बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जल का बहाव होगा जो उच्च जल विभाव से निम्न जल विभाव की ओर होता है। क्लियर? जल विभाव की अवधारणा स्लेडियर। टॉयलर ने 1960 में, ध्यान रहे, जल विभव की अवधारणा स्लेडियर व टॉयलर ने 1960 में दिया। जल विभव है क्या? जल विभव बराबर शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त
मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहा जाता है? जल विभव। ध्यान रहे, जल विभव क्या है? शुद्ध जल में उपस्थित जल के अणु की मुक्त ऊर्जा तथा किसी विलय में उपस्थित जल के अणु की मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहा जाता है? जल विभव। अर्थात शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि जल के अणु की मुक्त ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? जल विभव। जल विभव को ग्रीक अक्षर साई से रूपित करते हैं। साई याद रखें, साई से निरूपित किया जाता है। इसकी इकाई पास्कल होती है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कर ले इसको। इसकी इकाई क्या होती है? पास्कल, यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक पास्कल बराबर, एक पास्कल बराबर 1×10⁻⁶ मेगा पास्कल। एक मेगा पास्कल बराबर 10 bar। ध्यान रहे, इसे बार से निरूपित भी करते हैं, यानी बार इसकी इकाई है या पास्कल है। एक बार बराबर 0.987 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब। यह भी आपको ध्यान रखना है, एक बार बराबर क्या होता है? 0.987। तो यह है एक बार बराबर 0.987, इसे साई से इंडिकेट करते हैं, पास्कल या बार इसकी इकाई है, यह आपको ध्यान रखना है। निरूपित किससे करेंगे? साई से, आपको ध्यान रखना है। जल विभव शुद्ध जल होता है, उसके लिए जल विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है, यह आपको ध्यान रखना है। शुद्ध जल के लिए जल विभव का मान क्या होगा? शून्य होगा। किसी अन्य जल के लिए जल विभव का मान होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, आप ध्यान रखेंगे। अन्य जल के लिए जल विभव का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा, जबकि शुद्ध जल के लिए आपको ध्यान रखना है जल विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। किसी विलयन या अन्य जल जो भी है उसके लिए जल विभव का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अर्थात विलायक में विलायक पदार्थ मिलाने से जल विभव के मान में क्या आती है? कमी आती है। तो जल विभव के बारे में आप समझ गए होंगे कि जल विभव क्या है, जल के अणु की मुक्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जल विभव। अर्थात शुद्ध जल के अणु की मुक्त ऊर्जा तथा किसी विलयन में उपस्थित जल के अणु की मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहा जाता है? जल विभव कहा जाता है। जल विभव को तीन आंतरिक कारकों का योग माना जाता है, जिसका अगली क्लास में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एक मैट्रिक विभव, विलय विभव, दाब विभव, इन तीन आंतरिक कारकों का योग है, जिसका हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।